कई लोगों को लगता है कि आईआईटी केवल जॉब्स के लिए बनी हुई है, कई लोगों को लगता है कि आईआईटी के अंदर केवल टेक्नोलॉजी रिलेटेड और ये सब काम होते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की रिसर्च नहीं होती है। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है और आज हम डिस्कस करेंगे कि आईआईटी में किस प्रकार से रिसर्च होती है और किस प्रकार से आप बाद में एक साइंटिस्ट की तरह अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं आईआईटी में जाके भी। कई लोगों के दिमाग में क्या इस तरह की एक छोटी सी त्रुटि रहती है कि यार मेरे को तो साइंटिस्ट बनना है, मैं आईआईटी की तैयारी क्यों कर रहा हूँ, है ना। मुझे तो साइंटिस्ट, मेरे दिमाग में भी थोड़ा बहुत ये था पहले कि यार मुझे तो फिजिक्स में कुछ करना है, मुझे तो एस्ट्रोनॉमी में कुछ करना है, मुझे तो मैथ्स में कुछ करना है, मैं ये क्या आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं क्यों ये सीएस वीएस ले रहा हूँ, दिमाग में बहुत ज़्यादा था। और कई लोगों के दिमाग में होता है, ठीक है। तो आज हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि आईआईटी के अंदर भी आप बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कि वहाँ पे ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप एज एक साइंटिफिक करियर अपना बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ऑल्सो अगर आपको जेई प्रिपरेशन के लिए फ्री नोट्स चाहिए बेस्ट क्वालिटी के, तो आप अकेडमी बूस्ट ऐप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं और हमारे वहाँ पे कोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं जिनसे आप अपनी जेई की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दिए हुए हैं। चलिए बात करते हैं साइंटिफिक करियर की। तो देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करियर को बिल्ड करने। कई लोग समझते हैं कि अरे यार आपने एक बार सीएससी ले ली तो उसी के अंदर करियर बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप करियर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो अगर स्पेशली आईआईटी में हो। दूसरे कॉलेजेस का देखो आप इतना श्योरली नहीं कह सकते हो, जैसे लेट से आप फिजिक्स में बीएससी करने जा रहे हो किसी और कॉलेज में, ठीक है, तो आप शायद अपना करियर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के फॉर्म में नहीं बना सकते इतना इजीली। लेकिन अगर आप आईआईटी में होते हो, आईआईटी की एक बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। आप चाहो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, तो आप एक साइंटिस्ट बन सकते हो, आप चाहो तो आप एक जॉब कर सकते हो, आपको जो मर्जी पड़े आप आईआईटी के अंदर कर सकते हो, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए जो पाँच छः तरीके हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक साइंटिफिक करियर बनाने का। सबसे पहला तो ये होता है कि आप जिस फील्ड में इंजीनियरिंग ज्वाइन कर रहे हो उसी फील्ड में एक साइंटिफिक करियर बनाओ, ठीक है। तो लेट्स से आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ज्वाइन की, अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही आप रिसर्च कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि सीएस के अंदर जाके केवल जॉब ही होती है, ठीक है। सीएस के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट एरियाज ऑफ रिसर्च होते हैं क्योंकि सीएस इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद मैथ्स, ओके। तो मुझे भी पहले लगता था यार क्या कंप्यूटर साइंस है ये, मुझे तो मैथ्स पसंद है, मुझे फिजिक्स पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर साइंस इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विद मैथमेटिक्स, राइट, और फिजिक्स से भी आप रिलेशन कह सकते हो। देखो जहाँ पे मैथ्स आ गई वहाँ पे सब सब्जेक्ट एक तरह से आ ही गए, तो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, आपको मजा आएगा एकदम, राइट। तो आपको अगर ऐसी इच्छा है यार कि यार जॉब वॉब मुझे नहीं करनी है, ऐसा कुछ भी है, तो आप एक रिसर्च करियर कंप्यूटर साइंस नहीं बना सकते। मेरे कितने ही सारे बैचमेट्स हैं जो सीएस के अंदर ही रिसर्च करने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये रहता है। ऑल्सो यहाँ भी एक अच्छी बात ये भी है कि आप अगर बाद में चाहोगे आप एक जॉब भी कर सकते हो। जैसे आपने लेट्स से फिजिक्स में पीएचडी कर ली, तो आपके पास जॉब के ऑप्शन यूजली एक प्रोफेसर के फॉर्म में ही रहता है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में आप सभी को पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की, कंप्यूटर साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है दुनिया में, राइट। तो एक ज़्यादा अच्छे तरीके से आप एक गुड करियर आगे बना सकते हो फाइनेंशियली भी, ओके। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप जिस भी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में जा रहे हो उसमें ही आप मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हो, पहला ऑप्शन तो ये है। अब कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि अरे यार हमने सीएस तो ले ली, हमें किसी और सब्जेक्ट में कुछ करना है, कि यार मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली मुझे तो सीएस में रिसर्च करनी है, मैंने इलेक्ट्रिकल ले ली मुझे तो, मेरे को तो फिजिक्स में कुछ करना है, ये भी हो जाता है। आपके पास यहाँ पे भी बहुत ऑप्शन रहते हो। देखिए आईआईटी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले लिया तो इलेक्ट्रिकल में ही आगे करोगे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरे एक सीनियर है, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली है, उन्होंने सीएस के अंदर माइनर डिग्री किया। माइनर डिग्री क्या होता है? माइनर डिग्री इज बेसिकली एन ऑप्शनल स्मॉल डिग्री जो आप पैरेलल में कर सकते हो, ठीक है। ये एक पूरी डिग्री नहीं होती है 4 साल की, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज आप कर लेते हो ना अपने सेमेस्टर के अंदर ही, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा साल नहीं देना, उसी में हो जाता है 4 साल में। आप एक एक दो दो एक्स्ट्रा कोर्स हर साल लेते जाओ तो आपके 4-5 कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसमें आपकी वो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी छोटी वाली। तो वो छोटी डिग्री से आपको एक क्रेडेंशियल मिल गई कि हाँ भाई इस बंदे को सी एस भी आती है, राइट। और आप दो चार रिसर्च पेपर्स पे भी अपने प्रोफेसर के साथ काम कर लो ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेड इटसेल्फ, तो आप इन सब क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी जगह पे पीएचडी कर सकते हो। ताकि मेरे एक सीनियर भी कर रहे हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी अंडर ग्रेड की थी, अभी वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं सीएस के अंदर, ठीक है। और कई लोग फिजिक्स में भी सेम चीज़ करते हैं कि फिजिक्स में माइनर कर ली और अपने आप से उन्होंने सॉरी अपने प्रोफेसर के अंडर उन्होंने कुछ रिसर्च वगैरह भी कर ली फिजिक्स में और अब बढ़िया से उनका पीएचडी वगैरह चल रहा है, राइट। तो ये भी एक ऑप्शन रहता है। तीसरा ऑप्शन ये भी रहता है कि आप आईआईटी के अंदर ही कोई अच्छी इंटेंसिव प्योर साइंस की फील्ड चुन लो। कई लोग जैसे मेरा एक दोस्त है जो मैथ्स के अंदर डिग्री कर रहा है आईआईटी के अंदर, आईआईटी जेई के थ्रू सिलेक्शन हुआ है उसका। एक और मेरा दोस्त है जो इंजीनियरिंग फिजिक्स कर रहा है। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स है, एक बी एस इन केमिस्ट्री भी होती है आईआईटी के अंदर, आपको पता होगा। तो ये सब्जेक्ट्स जो है ये प्योर साइंस के हैं, फिजिक्स भी होगी मैथ्स भी होगी केमिस्ट्री भी होगी,
इनके अंदर 80-90% जो चीज़ें हैं ना वो एक नॉर्मल बीएससी डिग्री की ही रहती है। इवन इंजीनियरिंग फिजिक्स में नाम इंजीनियरिंग फिजिक्स है, बाकी है वो पूरी फिजिक्स की डिग्री है, वो करके आप आगे जाके फिजिक्स में करियर बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। अब आप बोलोगे कि अरे यार मेरे को अगर रिसर्च में करियर बनाना है तो मैं आईटी ज्वाइन ही क्यों करूँ, मैं तो आईएएस ही चला जाता हूँ, मैं तो आईएफएल चली जाती हूँ, मैं ये क्यों, मैं फॉरेन चली जाती हूँ, ये क्यों करें हम, इसका भी एक आंसर देते हैं। तो देखिए, जब आप 15-16 साल के होते हो ना तो बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि हमें करियर में क्या करना है। मुझे भी लगता था कि अरे यार मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मेरे को तो पता है मेरे को फिजिक्स में ही कुछ करना है, लेकिन आज मुझे फिजिक्स इतनी पसंद ही नहीं है, मुझे आज कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स ये ज़्यादा पसंद है, आई डोंट लाइक फिजिक्स एट ऑल, एट ऑल तो नहीं बट इतनी इच्छा नहीं होती है। क्योंकि देखिए आप अभी 11th 12th में क्या है, अब आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना बहुत विजुअल फिजिक्स है, आप सोचते हो यार पुली नीचे आ रही है और यार रोलिंग हो रही है मज़ा आ रहा है, लेकिन आगे जाके फिजिक्स वैसी नहीं रहती। आप जैसे ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाओगे वेक्टर कैलकुलस आ जाएगी, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगी, आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यू, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, और वो चीज़ें जब आने लगती है ना जो चीज़ें दिखनी बंद हो जाती है, फिर फिजिक्स विल बिकम जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, और तुम सोचोगे कि इतना कचरा वाड़ा हम कर रहे हैं, इससे बढ़िया फिर मैथ्स ही पढ़ लेते हैं, राइट। ये एटलीस्ट मेरे साथ हुआ था। तो आप अभी भले ही सोच रहे हो कि अरे यार मेरे को तो फिजिक्स में करियर बनाना है, जोश जोश में ज्वाइन कर लिया आईएएससी, फिर तुम्हें 2nd ईयर में पता चला यार यार ये चीज़ तो हमारे बस की नहीं थी, अब ना तो तुम प्लेसमेंट्स में ज़्यादा बैठ सकते हो क्योंकि तुमने ना तो किसी अच्छी आईआईटी में एडमिशन लिया है, ना तुमने कोई सीएस वगैरह की डिग्री ली है कि तुम्हें जॉब आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आईएएससी इज मोर ऑफ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अब वहाँ पे प्लेसमेंट किस तरह से होती है इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपने सेम कांड आईआईटी में रह के किया होता तो आप शायद एक बेटर फाइनेंशियल पोजिशन में हो सकते थे ना। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप 101% श्योर नहीं हो, विच इज़ ट्रू फॉर 99% ऑफ यू गाइस, आपको एक आईआईटी ही ज्वाइन करनी चाहिए। आप आईआईटी के अंदर कोई अच्छी ब्रांच ले लो जो फाइनेंशियली सिक्योर हो, जैसे इलेक्ट्रिकल या सीएस हो गई, ठीक है, आप उसके अंदर काम करो। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि अरे यार नहीं यार मेरा तो इंटरेस्ट धीरे धीरे फिजिक्स में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जैसे मैंने बताया माइनर डिग्री स्टार्ट कर लो, या फिर आप रिसर्च अंडरग्रेड के अंदर ही अपने प्रोफेसर के साथ कर लो और आपका फिजिक्स में आगे करियर बन जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आईआईटी के अंदर आप इंजीनियरिंग से जाके रिसर्च करियर बना सकते हो, आईएएससी में भी हो सकता है कि ऐसा होता हो, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होगी है, क्योंकि देखो सीएस से फिजिक्स में जाना डुएबल है, लेकिन आप फिजिक्स में एक रिसर्च बेस्ड करियर बना रहे हो वहाँ से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, वो थोड़ा सा टिपिकल मामला हो जाता है। क्योंकि देखिए आईआईटीज के अंदर आपका जब प्लेसमेंट हो रहा होगा तो सारी कंपनीज आएंगी, अगर आपका लेट से सब कुछ चौपट भी हो जाता है ना कि आप ना फिजिक्स पढ़ पाए ना सीएस पढ़ पाए, प्लेसमेंट की बढ़िया से तैयारी कर लो, प्लेसमेंट इंटरव्यू में बैठ जाओ, बढ़िया जॉब लग जाएगी एक बार। मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ था, उसने स्टार्टअप के लिए कोशिश किया, उसने रिसर्च के लिए कोशिश किया, उसने ये कोशिश की वो कोशिश की, कुछ भी नहीं चला, फिर उसने सोचा लास्ट ईयर में कह रहे ये बकवास चल रही है इससे मेरा करियर बिगड़ जाएगा, उसने चुपचाप बैठ के प्लेसमेंट की तैयारी चालू कर दी, ठीक है। 6 महीने तक उसने कुछ नहीं किया, केवल प्लेसमेंट की तैयारी की, उसने एनालिटिक्स वगैरह के रोल पकड़े, किया मैं इनकी तैयारी करता हूँ, प्लेसमेंट में बैठा, 34 LPA की पैकेज लगी उस बंदे की, वापस से सुनो 34 लाख पर ईयर, बहुत ज़्यादा रुपया ये इंडिया के अंदर। तो आप इस तरह से फिर कर सकते हो लास्ट में अगर आईआईटी है आपके पास, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। ओके, तो ये मैंने सारे ऑप्शंस बता दिए, अब एक सीक्रेट ऑप्शन में बताऊंगा एकदम लास्ट में वीडियो को, तो लास्ट तक देखना। तो देखिए वापस से समराइज कर लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस थे। सबसे पहला ऑप्शन था कि आप इंजीनियरिंग के अंदर रिसर्च करें, सीएस के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, मेटलर्जी के अंदर, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारा ज्ञान है जो इंसान के पास नहीं है। किसी भी फील्ड में जाओगे रिसर्च की भरमार है, ठीक है, तुम किसी भी फील्ड में साइंटिस्ट बन सकते हो, राइट। तो ऐसा तो सोचो ही मत कि हम अगर मेटलर्जी इंजीनियरिंग करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग कर लेंगे तो रिसर्चर नहीं बन सकते, बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें रिसर्च करना। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ज्वाइन एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कर लीजिए, साथ में आप कोई माइनर डिग्री कर लीजिए, और माइनर डिग्री और अंडरग्रेड में रिसर्च। तो अंडरग्रेड में रिसर्च का मीनिंग क्या समझा देता हूँ छोटा मोटा। तो देखिए अंडरग्रेड में क्या होता है कि आपके समर ब्रेक और विंटर ब्रेक आते हैं, तब यूजुअली बच्चे कुछ ना कुछ अलग काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट करता है, कोई इंटर्नशिप करता है, कोई क्या करता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करें, बोले कि सर मुझे रिसर्च में कुछ करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, तो प्रोफेसर किसी एक चीज़ पर काम कर रहे होंगे, ओके, वो आपको बताएंगे अरे यार मैं ये चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मेरी मदद कर दो। अब आप वो मदद करोगे तो वो आपका नाम अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर देंगे, तो इससे आपके नाम पे एक रिसर्च पेपर आ जाता है और कहा जाता है कि इस बच्चे की अंडरग्रेड में रिसर्च है, जो बाद में आप काम कर सकते हो। अब जैसे मेरे कोई कोई दोस्त है उनके पास अंडरग्रेड में 3 रिसर्च पेपर है, तो यार ऑब्वियसली बंदे को पीएचडी एडमिशन मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, तो ये होता है अंडरग्रेड रिसर्च। तो आप माइनर डिग्री या अंडरग्रेड रिसर्च के थ्रू अपनी एक सेकेंडरी प्रोफाइल बिल्ड करके पीएचडी के लिए अप्लाई करके जा सकते हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको क्या बोला कि आप एक ऑलरेडी रिसर्च इंटेंसिव फील्ड ही ज्वाइन कर लो, आप केमिस्ट्री ज्वाइन कर लो, आप मैथ्स ज्वाइन कर लो, आप इंजीनियरिंग फिजिक्स ज्वाइन कर लो, ये तो ऑप्शंस है ही है, राइट। तो यू कैन डू दिस एज वेल। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सीक्रेट दूंगा आगे लास्ट में। और इफ़ यू वॉन्ट टू एनरोल इन आर कोर्सेज
एकेडमी स्टाफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जा सकते हो। बेस्ट कोर्सेज इन इंडिया, फ्री नोट्स हैं वहाँ पे, तो नोट्स तो सबको लेने ही है यार, फ्री चीज़ें, फ्री चीज़ क्यों छोड़ रहे हो पीछे, वो आप डेफिनेटली लीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपने सुनी है मेरी लास्ट तक बात, उस सीक्रेट बता देता हूँ। यू कैन ऑलवेज बिकम एन इंडिपेंडेंट स्कॉलर। इंडिपेंडेंट स्कॉलर क्या होता है कि आप खुद अपने दम पर इंडिपेंडेंट रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च पे ऐसा कोई ठप्पा नहीं होता है कि आप अगर एक पीएचडी स्टूडेंट हो या आप एक प्रोफेसर हो तभी आप रिसर्च कर सकते हो। दुनिया में कई सारे रिजल्ट्स बहुत ही सिंपल लोगों ने दिए जिनके पास कॉलेज एजुकेशन तक नहीं था। श्रीनिवासन रामानुजन, न्यूटन, इन्होंने अपनी रिसर्च जो थी वो की थी इंडिपेंडेंटली, कह सकते हो आप एक तरह से। रामानुजन जब बहुत छोटे थे तब से उनकी पुस्तिका के अंदर वो चीज़ें लिखा करते थे, फिर उनको एक साइंटिस्ट जी एच हार्डी ने देखा था कि यार बच्चा बड़ा होनहार है, तो आप क्यों नहीं बन सकते नेक्स्ट रामानुजन। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि आप एक कॉलेज के अंदर जाके आप कुछ बढ़िया कर सकते हो। न्यूटन ने भी, उनके वहाँ पे प्लेग हो गई थी, कोई बीमारी हो गई थी इंग्लैंड में, तो वो अपने गांव वापस आ गए थे, गांव में कुटिया में बैठ के उन्होंने प्रिंसिपिया मैथमेटिकल लिखी थी, राइट। तो आप वैसा कर सकते हो, इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हो। जैसे कितने सारे लोग होते हैं, वुल्फ्रेम नाम करके एक बंदा है जिसकी वुल्फ्रेम अल्फा नाम करके वेबसाइट है, वुल्फ्रेम सर्च करना तो मिल जाएगा बंदा, वो भी एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर है। तो आप खुद से भी एक साइंटिस्ट बन सकते हो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता हो। लेट्स आपने जॉब ज्वाइन कर ली, जॉब के साथ में आपको फ्री टाइम मिलता है तब करो। आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए, साथ में फ्री टाइम मिलता है तब करो। ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि देखो एक बात है कि रिसर्च करियर में थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का इतना श्योर नहीं रहता है। तो कई लोग, अगर आप आईआईटी में जा रहे हो तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहने वाली अगर आप जॉब फील्ड में जा रहे हो, तो इट कैन बी ऑफन अ वेरी लॉप साइडेड यू नो कन्वर्जेशन कि यार यार मैं इतना पैसा छोड़ के पीएचडी क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसा कर लो ना, जॉब ज्वाइन कर लो, साथ में साथ आप रिसर्च कर लीजिएगा। ये भी कई चीज़ कई लोग करते हैं, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय, गुड लक। मेरे सोशल्स वगैरह के लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अकेडमी स्टैप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना, बाय।